सत्यल के देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। मैं हूँ आपके साथ राकेश। आज मैं आपको लेके आया हूँ ये जो घर है, ये बासपुर बंगला के रहने वाले हमारे सरदार बलवंत सिंह जी हैं, जिन्होंने पहले देश की सेवा की है। आर्मी से रिटायरमेंट होकर अब ये अपनी जो सेवाएं हैं वो अपने सिख पंथी की तरफ दे रहे हैं और लोगों की इतनी सेवा कर रहे हैं। तो आज वो हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं। जैसे आप लोग सभी बड़ी भांति जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर DGPC जो हमारे इलेक्शन होने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, तो ये भी आरएसपुरा से एक उम्मीदवार है। हमने पहले अपने सत्य लकीर के माध्यम से आपको दो इंटरव्यू दिखाए थे, एक जो चक मोहम्मद यार के रहने वाले आरएसपुरा से उम्मीदवार थे सतवीर सिंह जी, दूसरे रणजीत सिंह तोरा जी। इस समय हमारे बीच में मौजूदा हम इस समय बासपुर बंगला में सरदार बलवंत सिंह जी के घर में हैं। तो सबसे पहले हम सत्य लकीर में उनका बहुत स्वागत करते हैं। आइए जानते हैं उनसे वो किन मुद्दों पर ये जो जिला प्रबंधक कमेटी का चुनाव होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर कौन कौन से मुद्दे लेके ये आ रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत सत्य लकीर में। धन्यवाद जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जदा आप जी ने मेरे बारे दसी दिता है, मेरा जरा ना है बलवंत सिंह जी है, तो मैं बासपुर का रहने वाला हाँ। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी जड़ियां इलेक्शन आ रही ने उस दे विच दास पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो समूह संगतां दी मंग ते दास आप तैयार नहीं सी। तकरीबन साढ़े जिन्हिया भी वाटर बेल्ट दी संगतां सी उन्होंने एक मीटिंग की, मीटिंग करने तो बाद साढ़े अति सत्कारयोग पहला नियुक्त किए सी कि दर्शन सिंह जी मोटे तो, ते फिर उन्होंने बीमार होने की वजह के नाल फिर दास अगे लिया गया। सारी संगतां का भरमे हुंगारे मिले सानू, तो संगतां ने कहा कि तुसीं सेवा करो क्योंकि तुसीं इस टाइम सारी साइड तो फ्री हो। तो उस दिन गल भी चल रही थी जिहड़ा बंदा बिजनेसमैन होवे, जिहड़ा बंदा कोई होर कम्मां दे विच व्यस्त है जिसके कोल समा नहीं है, जां नौकरी कर रहा जिहड़ा जीव जिसके कोल समा नहीं, उस सिख पंथ की सेवा नहीं कर सकता, तो इस दे वास्ते सानूं वध तों वध जिहड़ा है वो समा कढ़ना पएगा। साडे कोल समा सी, असीं फौज की नौकरी कर आए हाँ, कि पेंशन साड़ी जिहड़ी वो लगी हुई है, तो जिन्ना हुण रहिंदा जिन्ना भी समा वो असीं प्रण लिया होया कि सिख संगतां की सेवा करनी है। तो पूरी बार्डर बैल्ट के जिन्हें भी गुरुद्वारे ने जिथे जिथे भी दास की नुमाइंदगी होएगी उत्थे उत्थे सारे गुरुद्वारों के जड़ा है पूरा ध्यान दिता जाएगा। सर आरएसपुरा के अंदर आपकी एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें सिंबल के भी बहुत से लोग बैठे थे, मनजीत सिंह आजाद जी जो आरएसपुरा के रहने वाले हैं, आपकी वहाँ पर एक सहमति भी बनी थी कि सबने पहले सबका यही मत था कि ये जो इलेक्शन है एक बंदे को जो है सेलेक्ट किया जाए, फिर ऐसा क्या हुआ कि आज पांच उम्मीदवार जो है वो डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में खड़े हो गए। बहुत जगह पर न इलेक्शन नहीं हो रही, सिलेक्शन हो रही है, तो उधर असी ये गल का मुद्दा भी चक्या सी कि क्या सीगा कि जेड़ा उम्मीदवार तुहानू लग रहा है कि पंजाबी दी एक बहुत वड्डी कहावत है, वो कहिंदे ने कि झोने वाले पिंड ने जेड़े पराली तो पता लग जाते हैं, तो सारे कैंडीडेटां नू इस गल का पता भी सीगा संगत प्यार किन्हां दे नाल कर रही है ज़्यादा, पर बड़ा चंगा हुंदा जे सहमति बन जाती सिलेक्शन हो जाती इलेक्शन दे कोलों, पर कई कारणां करके असी कोशिश बहुत कीती सी पर नफल रहे, नहीं सिलेक्शन नहीं हो सकी। तो हुण इलेक्शन है, हुण संगतां जिस दे नाल चलन गईयां जनते वो सारियां 27 तरीक तुहानूं संगतां नूं सारियां नूं पता लग जाण। सर कितनी देर आपने देश की सेवा की और आपको रिटायरमेंट आया, कितनी देर हो गई है? मैं देश की सेवा की है, पंजाब रेजिमेंट में मैं पोस्टेड था और मैंने देश की जो सेवा की है तकरीबन कोई 22 साल 9 महीने, फौजदारी पेंशन आया हूँ घर पे, और उसके बाद मेरे को 2018 का आया हूँ पेंशन। लगातार मैं सेवा कर रहा हूँ सिख पंथ की, जहाँ जहाँ भी मेरे इलाके में मेरी ज़रूरत पड़ती और निष्काम सेवा कर रहा हूँ, बिना किसी लोभ लालच के निष्काम सेवा कर रहा हूँ। और आगे भी मैंने ये बोला हुआ है कि अगर संगत मेरे को समय बदली मैं सारी ज़िंदगी निष्काम सेवा करूँगा, जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं सिखी के लिए दिन रात, सिखी के प्रचार के लिए दिन रात एक कर दूंगा, और अपने इलाके के अंदर जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है सबसे पहले जो हमारे जो ज़रूरत है वो तो हमारी पंजाबी भाषा है, वो बिल्कुल अलोप कर दी गई है जम्मू में,
बिल्कुल अलोप हो गई है। सबसे पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि अपने बच्चों को पंजाबी के लिटरेचर दिए जाएं, पंजाबी के जो फवार है जो हमारी जो है उसको भी लागू करवाया जाए, और स्कूलों के अंदर भी जो लग से जो कोई प्राइवेट स्कूल है उसके अंदर ऐसा टीचर को है किया जाए, हायर किया जाए कि जो पंजाबी का सब्जेक्ट ले बच्चों का। तो ये बड़े पद्धर के ऊपर मैं ये बात सोच रहा हूँ। तो सर कौन सा चुनाव निशान जो आपका चुनाव चिन्ह जो आपको मिला है, कौन सा चुनाव चिन्ह लेके आ रहे हो? चुनाव चिन्ह जो मेरे को मिला है बहुत ऐतिहासिक चिन्ह मिला है, जो बाबर ने गुरु नानक को चक्की दी थी, चक्कियाँ चलाने को बाबर ने बोला था। गुरु नानक महाराज जी बाबर की जेल के बीच थे, तो बाबर ने गुरु नानक महाराज के आगे चक्की रखी और महाराज की दया दृष्टि उस चक्कियों के ऊपर भी, चक्कियाँ अपने आप चलना शुरू हो गई। तो वो ऐतिहासिक चिन्ह है मेरा चक्की, और सभी जितनी भी बॉर्डर बेल्ट की संगत है, जितने भी मेरे गांव आ रहे हैं आसपुरा के अंदर, सबको मेरी ये अपील है कि एक बार आप चक्की के निशान पे मोरा लगाओ और मेरे को कामयाब करो। और मैंने ये उस दिन एक वाणी चैनल के ऊपर भी बड़ा साफ बोला है, मैं जो है रिजल्ट 6 महीने के अंदर अंदर देने शुरू कर दूंगा। अगर रिजल्ट 6 महीने के अंदर नहीं मिलते, जो मेरा पद होगा मैं उससे इस्तीफा दे रहा। हर एक गांव के गुरुद्वारे में जाके भी ये बोल रहा हूँ कि मैं 6 महीने के अंदर अंदर जो है परिवर्तन ले आने की पूरी कोशिश करूँगा। सर ये जो आजकल सिख नौजवान हैं या कोई भी है, आजकल हिंदुस्तान के अंदर नशा इस कदर बढ़ रहा है कोई कहने की बात नहीं, आप जगह पर देख रहे हो, बहुत जगह पर धरने भी दिए जा रहे हैं, बहुत जगह पर ऐसे काम भी किए जा रहे हैं कि आज कितने 100 में से 4% लोग ऐसे हैं जो चिट्टे के नशे में आते हैं। कल से आप ऐसे सामाजिक कार्य में अगर कल से आप जीत कर आते हो तो किस तरह से नशे पर लगाम होगी आपकी? सबसे पहले तो मैं अपने इलाके में एक ऐसा जाल बुनूंगा कि गुरसिखी का जाल ऐसा बुनूंगा अपने इलाके के अंदर, सामाजिक जीवन जो वो लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि अपना सामाजिक जीवन ठीक करो, अपने बच्चों को गुरुद्वारे में लाओ, अपने बच्चों को, जरूरी नहीं कि मैं सिखों के बच्चों को बोलूँगा, जो हिंदुओं के बच्चे हैं उनको भी बोलूँगा आप मंदिर में लाओ उनको, जो भी है हमारी जो सिखी की मर्यादा है, आपकी जो हिंदुओं की मर्यादा है, उस मर्यादा पर जब आप बच्चों को चलाओगे तो बच्चे निश्चित तौर पर बच्चे जो नशों की तरफ नहीं बढ़ेंगे। अपने आले दुआले जितना भी हमारा जो जाल होगा वो हम ऐसा बुनेंगे कि बच्चे हमारे नशों की तरफ नहीं जाएंगे। और ये बात आपकी बिल्कुल साफ है, सच है कि आज जो बच्चा है हमारा, जो न्यू जनरेशन है, वो पतित पुणे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, गलत साइड पे बहुत चल चुकी है। और एक बहुत बड़े शेक्सपियर ने एक बात लिखी थी, उसने कहा था कि किसी कौम को आपने अगर ख़त्म करना है, किसी भी कौम को, तो उसके जो मौजूदा आदमी हैं उनके ऊपर अटैक मत करो, वो आपसे नहीं बिगड़ेंगे, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है उसको आप गलत साइड उसको शुरू कर दो उनको तोड़ना, तो जब वो गलत साइड पर जाएगी, नशे करेगी, तो निश्चित तौर पर वो कौम है जो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हम जब पूरा जोर देंगे अपने इलाके के अंदर, आसपुरा के अंदर, नशे का तो बिल्कुल ही नामो निशान मिटाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ सरदार बलवंत सिंह जी, इन्होंने पहले देश की सेवा की है, फौज से रिटायरमेंट हुए हैं, इन्होंने पूरे विस्तार से आपको बताया है कि किन किन मुद्दों पर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और कल से ये जीत कर आते हैं तो किन किन मुद्दों पर ये काम करेंगे। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि जो फौजी होते हैं, ईमानदार होते हैं, देश की सेवा इन्होंने की है, अब ये चुनाव प्रबंधक कमेटी में, अब गुरुद्वारा जो डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें उतरे हैं, तो इनकी सपोर्ट की जाए। तो सत्य लकीर के माध्यम से आज हम वासपुर बंगला से आपको लाइव तस्वीरें आपको दिखाई, सरदार बलवंत सिंह जी हमारे बीच में बैठे थे, आप देख रहे हैं सत्य लकीर, मुझे दीजिए।